Next part, which is the relative atomic mass. Page number 11, relative atomic mass. In relative atomic mass, we need to understand that here we will be discussing about the atomic mass of a given atom. But obviously, dekho, what is an atom? Atom is the smallest particle of an एलिमेंट, ठीक है? अब क्योंकि ये पार्टिकल है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा. तो जो मास ऑफ एन एटम होता है, द मास ऑफ एन एटम, वी ऑब्वियसली कॉल इट एज एटॉमिक मास. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? इसका क्या मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास? रिलेटिव का मतलब होता है इन कंपैरिजन, या इसका मतलब है कंपैरेटिवली और कंपैरिजन. इन कंपैरिजन टू सम अदर एटम, किसी दूसरे एटम के कंपैरिजन में एटम का मास, इसको हम एक साथ बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज आर ए एम, रिलेटिव एटॉमिक मास, आर ए एम. अब रिलेटिव एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, अगर नीचे लिखे Z और ऊपर लिखे A, ठीक, तो ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर, राइट? अब ये मास नंबर हमको कैसे मिलता है? दिस इज बेसिकली द टोटल ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, इनके नंबर को ऐड कर दें, तो हमें मिलेगा मास नंबर. लेकिन अगर हम इनको वे कर ले, इनका वेट ले लें, तो हमें मिलेगा एटॉमिक मास. तो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए दैट द एटॉमिक मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, बिकॉज ओके सो दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कलेक्टिवली वी कॉल इट एज एटॉमिक मास. अब आगे बढ़ते हैं बच्चे. जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, ठीक? सो व्हेन आई एम सेइंग दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, इसमें कोई इश्यू नहीं है, हमें समझ आ गया कि भाई एक ऑक्सीजन का एटम है, उसका मास 16 है. लेकिन जब हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तब इसका क्या मतलब है? तब इसका मतलब है कि इन कंपैरिजन टू सम अदर एटम द ऑक्सीजन हैज अ मास ऑफ 16. इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? एक एग्जांपल देखो, ये तो लाइंस है, ठीक है? एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही. अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा बताओ बेटा, ये लाइन छोटी है या ये लाइन बड़ी है, तो आप बोलेंगे मैम दिस वन इज अ शॉर्टर लाइन. क्यों? बिकॉज इसके कंपैरिजन में ये वाली लाइन हमने ड्रॉ करी है. लेकिन मान लीजिए ऐसा होगा, ठीक है? देन व्हाट विल यू से? ये छोटी है या बड़ी है? इन दैट केस यू विल से दैट दिस लाइन इज लॉन्गर. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि इस लाइन को हम छोटा या बड़ा कब कह रहे हैं? जब कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक दूसरी लाइन प्रेजेंट है. तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग द मास ऑफ एन एटम विद सम अदर एटम, ठीक है? अगर हम मास को कंपेयर नहीं करें, अगर हम सिर्फ बोले एटॉमिक मास, ओनली एटॉमिक मास, तब कोई इश्यू नहीं है. यस, एटॉमिक मास इज 16. बट व्हेन आई से relative atomic mass, then what does it mean? It means in comparison to some other atom, the mass of oxygen is 16. ठीक है? अब
लेकिन बच्चे जब ये रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया था उस वक्त पर हम कंपैरिजन करते थे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ हम कंपेयर करते थे हाइड्रोजन के साथ। क्यों कंपेयर करते थे? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, तो अगर हम 1 के साथ कंपेयर करेंगे इट विल ऑलवेज बी इजियर। अगर हाइड्रोजन का मास है 1 तो हम कहेंगे दैट ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स, ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन। क्यों 16 टाइम्स? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और इसके कंपैरिजन में जो ऑक्सीजन है वो उसका एटॉमिक मास है 16। तो कंपैरेटिवली हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हेवियर है। ये जब हम बोलते हैं 16 टाइम्स हेवियर है उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया कि कोई भी कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ नहीं करेंगे, बल्कि साइंटिस्ट केम अप विद अ बेटर ऑप्शन। उन्होंने ऑप्शन दिया C12 का। C12 क्या होता है? C12 इज द आइसोटोप, इट इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन। आप लोगों को आइसोटोप की डेफिनेशन याद है? What are isotopes? Isotopes are the atoms of the same element with same atomic number but different mass number. आपने पढ़ा था C12 है, C13 है, C14 है, तीन isotopes हैं कार्बन के। ठीक है, तो उन तीनों isotopes में से comparison करने के लिए atomic masses की हमने कौन से atom को choose किया? C12 को choose किया। ठीक, अब अगेन कंपेयर करने के लिए अगर हमारे पास कोई एक ऐसा आइटम हो जिसका 1 वैल्यू हो, जिसके मास की वैल्यू 1 हो, तो हमारा कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ऐसे में साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हम पूरा का पूरा C12 आइटम नहीं लेंगे क्योंकि C12 का मास तो 12 हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा हम लेंगे 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। जो C12 कार्बन 12 एटम है, यानी कार्बन का वो एटम जिसका मास क्या है 12, यानी कार्बन का वो एटम जिसका मास है कितना मास है 12। ठीक है, कार्बन का वो एटम जिसका मास है 12, इस का 1/12 लेंगे। अब देखो 1/12 ऑफ 12 कितना हुआ 1। ठीक है, तो घूम फिर के बात वही हुई, कंपैरिजन हम 1 से ही कर रहे हैं, हाइड्रोजन के केस में भी 1 से ही कर रहे थे और कार्बन के केस में भी 1 से ही कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, जो कार्बन का आइसोटोप चूज किया वो 12 चूज किया, C12 यानी वो कार्बन का एटम जिसका मास था 12, और उसका हमने कितने पोर्शन से कंपेयर किया, 1/12 पोर्शन से कंपेयर किया। तो ऑब्वियसली 1/12 से कंपेयर करने के बाद जो हमारा अल्टीमेट कंपैरिजन हुआ वो हुआ 1 से। तो बात वही रही हमारी